So hello once again everyone, I am Dinesh Rajpurit and with Yatharth IS platform we are going to start the next chapter in this economic survey, that is infrastructure development, जिसको हम हिंदी में कहेंगे आधारभूत संरचना, आधारभूत संरचना का विकास। ठीक है, अब ये हमारा जो है चैप्टर नंबर 5 है इकोनॉमिक सर्वे का। उससे पहले हम अलग अलग चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, फॉर एग्जांपल एग्री पढ़ चुके हैं हम, इंडस्ट्री पढ़ चुके हैं, अब हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे आ गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के जो डिफरेंट आयाम है, डिफरेंट डायमेंशन वी आर गोइंग टू सी इन दिस चैप्टर। सो क्विकली लेट्स स्टार्ट द इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर। सबसे पहले तो जैसे ही अपना इकोनॉमिक सर्वे शुरू होता है, उससे आप जैसे ही ओरिजिनल इकोनॉमिक सर्वे देखेंगे तो आप देखेंगे उसमें शुरू में ऐसे ऐसे करके दो टेबल दिए रहते हैं। दीज टेबल आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जाम, बिकॉज इनमें जो डेटा दिया रहता है यू शुड रिमेंबर दिस डेटा एग्जैक्टली, बिकॉज ये पेपर में सीधे ही पूछ लिए जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट डेटा। तो उसी डेटा को थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो पावर सेक्टर की बात की जा रही है। इंस्टॉल कैपेसिटी एज ऑन 31 दिसंबर 2021 हमारे पास है 23,321 मेगावाट। अच्छा, 23,321 मेगावाट हमारी इंस्टॉल कैपेसिटी है। ये हमें एग्जैक्टली ऐसे याद रहना चाहिए, बिकॉज बहुत सारे एग्जाम में इंस्टॉल कैपेसिटी डायरेक्ट पूछी जाती है, तो ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा मैं मानता हूँ। सोलर, विंड और बायोमास, ये चारों हमारी कैपेसिटी दे रखी है, बड़ी इंपॉर्टेंट डेटा है, एग्जैक्टली हमें याद रहना चाहिए। सोलर का जो हमारा पोटेंशियल है 142 गीगावाट, तो लेकिन हमारी जो प्लांट कमीशन या मतलब जो प्लांट शुरू हो चुके हैं और कितना हम अभी प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज़ 9,228 मेगावाट। वैसे ही विंड एनर्जी की देखें तो हमारे पास है 4,338 मेगावाट, और बायो एनर्जी की बात करें तो हमारे पास है 120 मेगावाट। तो ये बायो एनर्जी हो गया, विंड हो गया और सोलर हो गया, इन तीनों का कितना कितना प्रोडक्शन हम कर रहे हैं एग्जैक्टली हमें याद रहना चाहिए। ऑर्डर भी हमें याद रहना चाहिए, सोलर सबसे ज़्यादा है, फिर विंड है, फिर उसके बाद बायो है हमारे पास, और इसके बाद ये जो पोटेंशियल है ये याद रहे तो ठीक है, बट पोटेंशियल इज नॉट एग्जैक्टली व्हाट दे आर गोइंग टू आस्क, व्हाट दे विल आस्क डायरेक्टली इज दैट डेटा। नाउ रोड के बारे में देख लेते हैं कि टोटल रोड जो लेंथ है हमारे स्टेट में वो 2,72,000 किलोमीटर है, और अप्रोक्सीमेटली, और हमारी रोड डेंसिटी है वो दैट इज 79.76 पर 100 स्क्वायर किलोमीटर हमारी रोड डेंसिटी है। तो रोड डेंसिटी याद है तो दैट इज़ वेल एंड गुड, बट ये रोड लेंथ हमें याद रहनी चाहिए, बिकॉज प्री में ये जो डेटा है प्री में डायरेक्ट पूछ लेता है, बहुत सारे एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछी हुई है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ ये आपको याद रहना ज़रूरी है। ठीक है, दिस डेटा इज़ नॉट एज मच इम्पॉर्टेंट, मोटर व्हीकल वाला जो डेटा है, कितने रजिस्टर्ड है, कितनी रूट लेंथ है, टेलीकॉम सब्सक्राइबर्स, आई डोंट रिकमेंड कि आप इनको एज इट इज़ याद करो। ठीक है, देख लिया, बाकी इनको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। डिजास्टर मैनेजमेंट, रिलीफ एंड सिविल डिफेंस, लगभग इतना अमाउंट जो है 1,419 करोड़ ओवरलोड किया गया रिलीफ एक्टिविटीज़ में ड्यूरिंग द ईयर 2021-22 अप टू दिसंबर। सो दैट आर द बेसिक डेटा दैट आर प्रोवाइडेड इन द स्टार्ट ऑफ एवरी चैप्टर, एंड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वी हैव इंक्लूडेड एनर्जी डेटा, रोड डेटा, ट्रांसपोर्ट डेटा। नाउ लेट अस प्रोसीड एंड डिस्कस द चैप्टर इन डिटेल। पावर सेक्टर की सबसे पहले हम बात करेंगे पावर जनरेशन में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी हमारे पास जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो हो चुकी है 23,321 मेगावाट। हाँ ठीक है, मार्च 2021 तक हमारे पास इतनी थी, और फिर इतनी और हमने गेन कर ली है, फाइनली दिसंबर 2021 तक हमारी ये कैपेसिटी है 23,321 मेगावाट। ये हमें याद रहनी चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, ये डिफरेंस सेक्टर का जो डेटा है, डिफरेंस सेक्टर का जो डेटा है कितना कौन सा जो सेक्टर है वो प्रोड्यूस कर रहा है उसका डेटा दिया गया, जैसे विंड, बायोमास, सोलर और हाइडल किस तरीके से कितना कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं। विंड करना है 3734 और बायोमास दैट इज़ 1,129,70, और ये भी जो डेटा है
मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एज इट इज इसको ना देखिए। ये RREC, RSMML और प्राइवेट सेक्टर के जो प्रोजेक्ट्स हैं ये सिर्फ उनका डेटा है, तो इसमें पूरा टेबल को इंक्लूड नहीं किया गया है। इसके अलावा देखिए जो इसके अलावा जो स्टेट लेवल है, राजस्थान लेवल के या स्टेट लेवल के भी यही प्रोजेक्ट है, और उसके बाद सेंट्रल लेवल के भी, सेंट्रल लेवल के प्रोजेक्ट भी ये इंक्लूड कर रहे हैं। उसके बाद ये तीसरी कैटेगरी है RREC, RSMML और ये तीनों कैटेगरियाँ मिलकर इसमें कंक्लूड करती है, कंट्रीब्यूट करती है। उसके बाद ये विंड, बायोमास और सोलर और थर्मल जो फाइनल अपने पास है वो निकल के आता है। सो इसको एग्जैक्टली याद रखने की या इतना सब याद करने की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें तो ये याद रखना है कि भाई 2321 ये मेगावाट जो है वो टोटल हमारी कैपेसिटी है, ये हमें अभी याद रहना चाहिए। बाकी किस स्टेट कितना कर रहा है और ये प्राइवेट वाले कितने कर रहे हैं ये डेटा हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एक डेटा हम ये याद रख सकते हैं कि 2017-18 से 2020-21 तक जो एनर्जी अवेलेबिलिटी है उसका डेटा में 23.68% का इंक्रीमेंट हुआ है, देख लेंगे हम आगे। देखिए एनर्जी अवेलेबिलिटी स्टेट में मार्च 2017 में इतनी थी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 2021 मार्च में ये इतनी हो गई है, तो इनका जो इंक्रीमेंट हुआ है 23.68% हुआ है, ये हमें याद रखने की ज़रूरत है कि इंक्रीमेंट जो है 2017 से 2021 के बीच में एनर्जी अवेलेबिलिटी का वो 23.68% बढ़ा है। वैसे ही टोटल नेट एनर्जी कंजप्शन है वो भी हमारा कितना है 27.61%, उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। तो नेट एनर्जी कंजप्शन में भी और नेट एनर्जी अवेलेबिलिटी दोनों में हमारे पास वृद्धि हुई है, इस डेटा को जो है हमें याद रखने की ज़रूरत है। इसके बाद जो इनोवेटिव स्कीम्स है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में उसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो स्कीम है दैट इज़ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्मार्ट ट्रांसमिशन नेटवर्क एंड एसेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसको कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है, इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है RSVN दैट इज़ राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम। इसमें क्या किया जाएगा कि बेटर विजुअलाइजेशन और अवेयरनेस ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में ऑपरेटर को भी, और ऑपरेटर के बाद जो उस चेन में आगे के प्लेयर्स हैं उनको भी बेटर विजुअलाइजेशन करवाया जा सके और बेटर अवेयरनेस प्रोवाइड की जा सके ट्रांसमिशन नेटवर्क के बारे में। तो इसके लिए ये जो स्कीम है ये लागू की गई है और इसको बड़ा ही एक इनोवेटिव स्कीम इसको माना गया है। उसके बाद हमारी कुसुम स्कीम आती है, कुसुम स्कीम से पहले मैं एक डेटा आपको बता देना चाहूँगा कि जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन इसमें हमारे पास 2021 तक 43,201 विलेजेस का जो है हम रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन जो है वो हम अभी तक कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त 2021 दिसंबर तक हम 1.14 लाख जो ढाणियाँ हैं, और ये ढाणियों की बात मैं कर रहा हूँ, ढाणियाँ, और लगभग 93 लाख परिवारों को विद्युतीकरण किया जा चुका है। पर ये ढाणियाँ इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बड़ी रिमोट लोकेशन पे होती है, उनको विद्युतीकरण करना अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क है, इसीलिए इसका डेटा अलग से सेपरेटली हमें दिखाया जा रहा है। तो 43,000 विलेजेस को लगभग रूरल विलेजेस को इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा चुका है, और इसमें से भी लगभग 1.25 लाख ढाणियों को हमने इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया गया है। कुसुम स्कीम के बारे में हम बात करेंगे, पहले तो इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, दैट इज कुसुम योजना, किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान। अब इसके तीन कंपोनेंट्स में ये चलाई जा रही है, मेनली इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पावर पंप्स एंड ग्रिड कनेक्टर सोलर पावर प्लांट्स, इनको टारगेट करके ये स्कीम चलाई गई है। कोई भी किसान है वो अपने खेत में पंप लगा सकता है, दैट इज़ सोलर पंप लगाता है, उसके लिए उसको सब्सिडी भी दी जाती है और आगे भी उसको प्रोत्साहन दिया जाता है कि जैसे जैसे आप इसको और बड़ा करेंगे तो आपको
और सब्सिडाइज रेट पे आप इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसी के लिए कुसुम योजना चलाई जा रही है। तीनों कंपोनेंट देख लेते हैं इसको। कंपोनेंट ए में हमारे पास ये 10,000 मेगावाट का डेटा दे गया है, तो इसको मैं थोड़ा क्रॉस वेरीफाई करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे इसमें थोड़ा सा अभी इशू लग रहा है। तो इसको मैं अभी चाहूँगा कि आप इसको ना नोट करें, इसको मैं क्रॉस वेरीफाई करना चाहूँगा। और 10,000 मेगावाट ऑफ डिसेंट्रलाइज ग्राउंड माउंटेड ग्रिड कनेक्टेड रिन्यूएबल प्लांट्स ऑफ इंडिविजुअल प्लांट साइज अप टू 2 मेगावाट इन्होंने अचीव कर चुके हैं। RREC जो है, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन, ये इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रही है और लेटर ऑफ एलोकेशन 6,623 एप्लीकेशंस को इन्होंने इशू कर दिए हैं, और इनकी एग्रेवेट जो कैपेसिटी है दैट इज 722 मेगावाट। कंपोनेंट बी में क्या किया गया, लगभग 17.5 लाख के स्टैंड अलोन सोलर पावर्ड एग्रीकल्चर पंप्स ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटी अप टू 7.5 HP। लगभग 17.5 लाख जो सोलर पावर पंप्स है उनका इंस्टॉलेशन किया जा चुका है, और 25,000 टारगेट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा दिया गया है इसमें। कंपोनेंट सी में लगभग 10 लाख ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप्स अप टू 77.5 HP जो है 10 लाख पंप्स को सोलराइजेशन किया जा चुका है, और 12,500 टारगेट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें डिसाइड किया गया है। फ्लैगशिप स्कीम्स हम देख लेते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में कौन सी काम कर रही है। सबसे पहले जो फ्लैगशिप स्कीम है वो है मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। 1 मई 2021 से इसको शुरू किया गया है, 1 मई 2021 से इसको लॉन्च किया गया है, और ये ऊर्जा विभाग द्वारा चलाई जा रही है, एनर्जी डिपार्टमेंट द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है। इसमें क्या किया जा रहा है, 1,000 रुपये पर मंथ, 12 महीनों को होगा 12,000 रुपये पर एनम जनरल कैटेगरी के एग्रीकल्चर रूरल कंज्यूमर्स को सब्सिडी के रूप में दिया जा रहा है, या फिर फाइनेंशियल एड के रूप में दिया जा रहा है। इसमें जो जनरल कैटेगरी से तात्पर्य जो है वो सामान्य श्रेणी के ग्रामीण क्षेत्र के मीटर्ड और फ्लैट रेट श्रेणी के कृषि उपभोक्ता हैं। जनरल कैटेगरी के मीटर्ड मीटर्ड एंड फ्लैट रेट कैटेगरी के जो फार्मर्स हैं वो इसमें हैं। तो ये जो स्कीम है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और अभी फ्लैगशिप स्कीम में इसको जोड़ दिया गया है। और देखिए, मैंने आपको बताया गया है कि मीटर्ड और फ्लैट रेट जनरल एग्रीकल्चर कंज्यूमर्स जो है इसमें इंक्लूड किए जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है, इसकी डेट भी आपको याद रहना चाहिए, डिपार्टमेंट भी याद रहना चाहिए, और क्या प्रोविजन है वो भी याद रहने चाहिए। ये वही बात है जो मैंने अभी आपको जस्ट अभी बताई है, दैट इज सेम। अब रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। RREC, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन जो है वो स्टेट की नोडल एजेंसी है, और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो इसका नोडल मिनिस्ट्री आप कह सकते हैं, जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो है वो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का जो है स्टेट में काम कर रही है। इसके साथ ही मैं एक चीज़ और बता दूं कि रिन्यूएबल एनर्जी को और एफिशिएंट और रिन्यूएबल एनर्जी का कंजर्वेशन करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए और उसको एफिशिएंट बनाने के लिए राजस्थान में BEE ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी राज्य की नोडल एजेंसी है। BEE ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ये रिन्यूएबल एनर्जी को और एफिशिएंटली और इनोवेटिव तरीके से प्रोड्यूस करने के लिए और उसको
इफेक्टिव एफिशिएंट बनाने के लिए ये बीईई जो है राज्य सरकार द्वारा बनाया गया है। अब देखिए कि राजस्थान काफ़ी एक अच्छा ब्लैस्ट स्टेट है सोलर रेडिएशन के लिए, क्योंकि लगभग 6 से 7 किलोवाट पर स्क्वायर, ये जो डेटा है पर स्क्वायर मीटर रहना चाहिए एज पर आई थिंक, हमारे पास जो है सोलर एनर्जी अवेलेबल है। उसके साथ ही हमारा जो पोटेंशियल है वो पहली स्लाइड में हम देख चुके हैं कि 142 गीगावाट के पास हमारे पास है, और 9,228 मेगावाट है वो हमारी इंस्टॉल कैपेसिटी आज की डेट में है। ये तीनों डेटा अपने आप में इम्पोर्टेंट है, हमें याद रहने चाहिए। सोलर पार्क जो है राजस्थान में 4 मेजर सोलर पार्क्स हैं, इन चारों का हमें ये पता रहना चाहिए कि भाई ये कहाँ कहाँ पे और किस तरीके से जो है ये कार्य कर रहे हैं। इसमें एक जो और डेटा है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो सोलर पॉलिसी है नई, सोलर पहले 2014 की थी, अब इसको हटा दिया गया, 2019 की लेटेस्ट जो है सोलर पॉलिसी स्टेट द्वारा जारी की गई है। 4 सोलर पावर प्लांट हमारे हैं, बडला, फलोदी, फतेहगढ़ और नोक। बडला, फलोदी, फतेहगढ़ और नोक, ये 4 मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट्स हैं और सोलर पार्क्स यहाँ पे डेवलप किए गए हैं। बडला जो है हमारा सबसे बड़ा सोलर पावर पार्क है, जो लगभग 2200 मेगावाट की कैपेसिटी है का है और 4 फेजेस में इसको चलाया जा रहा है। फलोदी का जो हमारा सोलर पावर है पार्क जो है 750 मेगावाट का है, फतेहगढ़ का 1500 मेगावाट का, और नोक जो पार्क है वो 925 मेगावाट का है। इनकी कंपनीज भी है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट मुझे लगती है वो मैं आपको बता दूंगी। नोक की जो इम्प्लीमेंटिंग कंपनी है राजस्थान पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, ये थोड़ी इम्पोर्टेंट है, न्यूज़ में रहती है, तो ये हमें याद रखने हैं। हमारे पास 4 सोलर पार्क्स हैं और चारों के नेम हमें याद रहना चाहिए और कैपेसिटी हमें याद रहना चाहिए और उनकी लोकेशन हमें याद रहना चाहिए, सोलर पॉलिसी का ईयर हमें याद रहना चाहिए। नाउ रूफ टॉप सोलर पावर प्रोजेक्ट स्कीम बाय RRECL, दैट इज राजस्थान रेन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड। राजस्थान दैट इज रेन्यूएबल एनर्जी सर्विस कंपनी जो है इसको रूफ टॉप स्कीम के लिए बनाया गया है ताकि इस स्कीम को अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा सके। अब इसमें क्या किया जा रहा है भाई, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा 30% सब्सिडी दी जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा 30% जो है सब्सिडी दी जाती है सोलर रूफ टॉप प्लांट्स लगाने के लिए। ये जो स्कीम है सोलर पावर प्रोजेक्ट ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर भी लगाई जा रही है, इंप्लीमेंट की जा रही है हम ये कह सकते हैं, और 4.14 पर यूनिट का जो टैरिफ है वो गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है 25 साल तक। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज विंड एनर्जी या फिर विंड पावर। विंड पावर की भी मैं आपको ये बता दूंगी कि जो विंड पॉलिसी है राजस्थान की वो 2019 में इसको लॉन्च किया गया है, और हमारा जो पोटेंशियल है दैट इज 1,27,750 मेगावाट, ये हमारा पोटेंशियल है, लेकिन हमारा प्रोडक्शन कितना है, कैपेसिटी कितनी है, 4,338 मेगावाट की हमारे पास कैपेसिटी है। ये पोटेंशियल हमारा और ये हमारी कैपेसिटी है। हमारी पॉलिसी कब आ चुकी है, 18 दिसंबर 2019 को अब पॉलिसी हमारी लॉन्च हो चुकी है। और अब हम बायोमास की बात कर लेते हैं। द मेन सोर्स ऑफ बायोमास जो राजस्थान में हम यूज़ करते हैं दैट इज मस्टर्ड हस्क और जूली फ्लोरा, ये दो हमारे स्टेट में यूज़ किए जाने वाले बायोमास का रॉ मटेरियल है जिससे हम बायोमास एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, और 120 मेगावाट ये काफ़ी सालों से लगभग एक कॉन्स्टेंट यही डेटा चल रहा है। 13 बायोमास पावर जनरेशन प्लांट हमारे स्टेट में और 120 मेगावाट हमारी कैपेसिटी है, 13 पावर प्लांट्स हमारे पास जिसके द्वारा हम ये चला रहे हैं।
ये तीन डेटा हैं कि किससे बनता है, कितनी कैपेसिटी और कितने प्लांट्स हैं। बायोमास का इतना ही डेटा हमारे लिए अभी इम्पोर्टेंट है, आगे जो इम्पोर्टेंट डेटा आएगा वो मैं आपको बता दूंगा। और इसके अलावा जो डेटा है जो आपके काम का नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूँ कि 6 बायोमास पावर जनरेशन प्लांट्स जो है, 6 बायोमास प्लांट जनरेशन प्लांट जिनकी कैपेसिटी 66 मेगावाट है, वो अंडर इम्प्लीमेंटेशन है, अभी काम चल रहा है उन पे, इसलिए हमें इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और इसकी एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं आपको बता देता हूँ कि बायोमास पॉलिसी जो है वो हमारी 2010 में आ चुकी है, बायोमास पॉलिसी हमारी 2010 में आ चुकी है। एनर्जी कंजर्वेशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है, राजस्थान इसमें फ्रंट रनर है, और जो स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स SEEI 2020 है उसमें राजस्थान को फ्रंट रनर की जो कैटेगरी है उसमें रखा गया है। और इसमें भी जो हमारी एजेंसी है दैट इज RREC, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन, जो इसमें काम कर रही है। अच्छा, राज इसमें एनर्जी कंजर्वेशन के लिए 14 दिसंबर को एनर्जी कंजर्वेशन डे के रूप में स्टेट में मनाया जाता है। इसको एक सिंबलिक डे बनाया गया ताकि एक अवेयरनेस और एक तरीके का कैंपेन चलाया जा सके एनर्जी को कंजर्व करने के लिए। इसके साथ ही राजस्थान एनर्जी कंजर्वेशन प्राइजेस ये भी स्टेट द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, ताकि क्या है कि मोटिवेट हो एनर्जी कंजर्वेशन और एफिशिएंट एनर्जी यूज के जो प्रकार हैं, जो कंपनीज हैं इनको जो कर रही है। इसके अलावा नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड इस कैटेगरी में जो हमारी RREC है इसको सेकंड प्राइज मिला है, इसको सेकंड प्राइज मिला है किसमें, 2021 में RREC को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दूसरा प्राइज मिला है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड दिया जा रहा है, उसमें हमारे यहाँ पे इसको दूसरा अवार्ड मिला है। तो काफ़ी एफिशिएंटली रिन्यूएबल एनर्जी में हम काम कर रहे हैं। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हम थोड़ी चीज़ें देख लेंगे। देखिए, ये टोटल 2,72,000 हमारे पास रोड लेंथ है, ये मैंने आपको बताया कि इम्पोर्टेंट है, ये डेटा तो आप याद रखेंगे। इसके बाद ये डिफरेंट, ये पांच तरीके की अलग अलग रोड होती है, रोड पूरे स्टेट में जो बनती है इन्हीं पांच तरीके की बनती है, इन पांच के अलावा कोई छठी तरीके की रोड नहीं है। अब जैसे नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड। अब आप ये देख लीजिए कि राजस्थान में किस किस ये इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है। सबसे ज़्यादा जो है हमारे पास विलेज रोड की लेंथ है, दैट इज ये पहले नंबर पे आप देख लीजिए। उसके बाद जो है दूसरे नंबर पे अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स है, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, ये हमारा हो चुका है, ये हमारा हो चुका है। इसके बाद हमारे पास है स्टेट हाईवेज, स्टेट हाईवेज, उसके बाद हमारे पास नेशनल हाईवेज, और लास्ट में हमारे पास है मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। तो ये जो एक कंपैरिजन है ये हमें याद रहना चाहिए कि सबसे ज़्यादा हमारे पास कौन सी है, विलेज रोड है, उसके बाद अदर डिस्ट्रिक्ट रोड कैटेगरी की रोड हमारे पास सबसे ज़्यादा है, फिर स्टेट हाईवेज, फिर नेशनल हाईवेज और फिर मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। काफ़ी बार ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जाता है कि नेशनल हाईवेज की जो लेंथ है वो सबसे कम है, लेकिन हम यहाँ देख सकते हैं कि सबसे कम कौन सी है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स है, और सबसे ज़्यादा कौन सी है, विलेज रोड्स है। डेटा ये याद हो ना हो लेकिन ये कंपेरिजन याद होना चाहिए, और टोटल जो लेंथ है 2,72,000 के पास, ये हमें याद रहनी चाहिए। राजस्थान स्टेट हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, और ये यहाँ पे दो प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं मेन रोड डेवलपमेंट के लिए, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जिसमें राजस्थान स्टेट हाईवे इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम जो है वो ADB द्वारा चलाया जा रहा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा इसको चलाया जा रहा है, और दूसरा जो है दैट इज राजस्थान स्टेट हाईवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वो चलाया जा रहा है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है,
जो एक्सटर्नली एडेड प्रोग्राम्स है उस चैप्टर्स में भी इनको दिया गया है, यहाँ पे भी दिया गया, और ये काफी बार प्री के एग्जाम्स में तो डायरेक्टली पूछे जा रहे हैं। अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम देख लेते हैं। इसका तो जो है राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम, जिसको राजस्थान स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम बोला जा रहा है, इसका जो ट्रेंच वन है, ट्रेंच वन के नाम से इसका प्रोग्राम चल रहा है, एडीबी इसमें मदद कर रहा है। ठीक है, अभी इसका जो ट्रेंच टू है वो भी अभी इसमें कार्यरत है। ट्रेंच वन और ट्रेंच टू के अंतर्गत इसमें कार्य चल रहे हैं, और जैसा कि मैंने बताया कि इसमें एजेंसी कौन सी है, इसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा मदद की जा रही है। वैसे जो दूसरा हमारा प्रोजेक्ट है उसमें वर्ल्ड बैंक द्वारा मदद की जा रही है। इसके अलावा अगर पीपीपी की प्रोजेक्ट्स की मैं बात करूं तो लगभग 598 किलोमीटर की लंबाई वाले चार नेशनल हाईवेज का डेवलपमेंट किया जा रहा है, लगभग 598 किलोमीटर लेंथ ही, और वो भी किसमें, पीपीपी प्रोजेक्ट के अंदर किया जा रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में। राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की, दैट इज RSRTC, 1 अक्टूबर 1964 को इसको शुरू किया गया था, और किसके अंडर शुरू किया गया था, रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन एक्ट 1950 के अंदर। ठीक है, अब RSRTC क्या कर रही है, टोटल फ्लीट ऑफ 4364 सेल्फ ओन्ड हायर्ड प्राइवेट बसेस है। ये डेटा आप बिल्कुल ना याद रखें, कहीं काम नहीं आएगा। कब स्टार्ट किया गया था, किस एक्ट में स्टार्ट किया गया था, ये आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो और डेटा है वो ये है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें यात्रा करने के लिए फ्री यात्रा करवाई जा रही है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। और इसके अलावा रक्षाबंधन और महिला वीमेन डे, महिला दिवस के अवसरों पर महिलाओं को जो है वह निशुल्क यात्रा सेवा इसमें दी जा रही है। तो इस तरीके की सेवाएं जो है RSRTC द्वारा दी जा रही है। अब हम रेलवेज के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली देख लेंगे। रेलवेज का क्या है, रेलवेज का जो हमें याद रखने की जरूरत है वो है कि टोटल लेंथ ऑफ रेलवे रूट्स इन स्टेट में कितनी है, 5,998, लगभग 6,000 किलोमीटर के पास हमारे पास रेलवे लेंथ है, मार्च 2020 तक का डेटा। ये रेलवे लेंथ जो है राजस्थान की, इंडिया के कंपैरिजन में राजस्थान का कंट्रीब्यूशन कितना है, 8.83। अगर इंडिया 8.83% जो क्या है, रेलवे जो लेंथ है वो स्टेट की है, राजस्थान की जो है इंडिया में है। इंडिया में राजस्थान का जो रेलवे लेंथ का कंट्रीब्यूशन है वो 8.83 है, आसान भाषा में यही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। पोस्टल कम्युनिकेशन सर्विस के बारे में देख लेते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन को डील कर रहा है। इसमें पोस्ट ऑफिस और टेलीकॉम सब्सक्राइबर का स्टेट का स्टेटस दिया जाता है कि हमारे पास पोस्ट ऑफिस की यूनिट कितनी है, हमारे पास रूरल और अर्बन दोनों की पोस्ट ऑफिस की यूनिट कितनी है, उसके बाद टेलीकॉम सब्सक्राइबर्स कितने हैं, वायरलेस और वायरलाइन सब्सक्राइबर्स कितने हैं। हालांकि ये जो डेटा है ये मैं रिकमेंड आपको नहीं करता हूँ कि इसमें कोई भी डेटा आप याद रखें। इसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट रिलीफ और सिविल डिफेंस के बारे में एक दो स्लाइड है वो हम जरूर देख लेंगे। जो 2021-22 का फाइनेंशियल ईयर था उसमें लगभग 1580 करोड़ रुपए जो है रिसीव किए गए थे दो इंस्टॉलमेंट में। ये थोड़ा सा जो डेटा है उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं किया गया है, तो मैं आपको अभी जो डॉक्यूमेंट है उसमें से देख के इसको थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूँ।
अच्छा ठीक है, करेक्शन इसमें अभी मैंने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में मैं देख के इसको करेक्ट कर रहा हूँ कि 1975 करोड़ रुपए, 1975 करोड़ रुपए हमें रिसीव होने वाले थे, जिसमें से एक इंस्टॉलमेंट 1580 करोड़ रुपए की इंस्टॉल हो चुकी है। मतलब इंस्टॉल का मतलब डिलीवर हो चुकी है। 1975 करोड़ में से 1580 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। हालांकि ये डेटा एज सच याद रखने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो दोनों का है, 75-25 के रेशियो से कॉन्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, ये डेटा हमें याद रखने की ज़रूर ज़रूरत है। इसके बाद सर्विस सेक्टर है। सर्विस सेक्टर हम नेक्स्ट स्लाइड में एकदम तसल्ली से वापस इसको शुरू से पढ़ेंगे। इसके डेटा जो इम्पोर्टेंट डेटा है वो हम डिस्कस करेंगे। अभी आज जो हमने पढ़ा उसका एक क्विक रीजन हम जरूर कर लेंगे। वेट फॉर ए सेकेंड। जो अभी हमने पढ़ा है उसका एक ब्रीफ डेटा जो है, ब्रीफ रिवीजन जो है वो हम अभी करने वाले हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में हमने अपनी बात शुरू की थी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है अध्याय 5, राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे। इसके बाद हमने पावर की सबसे पहले बात की थी। भाई 23,321 मेगावाट हमारे पास है, इसमें से सोलर, विंड, बायोमास की हमने बात की थी। सोलर हमें पता है कि लगभग 9,228 मेगावाट है, विंड जो है 4,338 है, और बायोमास के 120 मेगावाट हमारे स्टेट में कमीशन हो चुके हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि इम्प्लीमेंट हो चुके हैं, ये हमने बात कर ली थी। इसके बाद रोड लेंथ हमने देखी, 2,72,000 के पास लगभग रोड लेंथ, और 79 जो हमारी क्या है, रोड डेंसिटी है। फ्री ट्रैवलिंग वाला ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन वाला डेटा मैंने कहा था इतना ज़्यादा है सच इंपॉर्टेंट नहीं है। डिजास्टर मैनेजर रिलीफ सिविल डिफेंस में मैंने बताया कि 1,419 करोड़ रुपये जो है वो अलॉट किए जा चुके हैं। पावर जनरेशन हमने बात की थी, वही डेटा मैंने आपको बार बार दोहराया था कि 2,321 मेगावाट हमारे पास टोटल लेंथ है। ये खाली इन तीनों को दे रखी थी, इसके साथ राजस्थान स्टेट और सेंट्रल दोनों का डेटा मिल के आता है। फाइनली हमें जो याद रखने वाली चीज़ है वो 23,321 मेगावाट है। इसके बाद मैंने एनर्जी अवेलेबिलिटी और एनर्जी कंज्यूम्ड के बारे में बताया था कि एनर्जी अवेलेबिलिटी हमारी 23% बढ़ चुकी है अप्रोक्सीमेटली, और ये हमारी 27% बढ़ चुकी है 2017 से 2021 तक। इसके बाद इनोवेटिव स्कीम्स के बारे में हमने बात की थी, जिसमें पहली STNAM थी, जो है कि राजस्थान का जो ट्रांसमिशन सिस्टम है उसका बेटर विजुअलाइजेशन और अवेयरनेस हो। कौन सा डिपार्टमेंट इसको चला रहा है? राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम चला रहा है। और क्या नाम है स्कीम का? दैट इज स्मार्ट ट्रांसमिशन नेटवर्क असेसमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। पीएम कुसुम योजना की बात हमने की थी, तीन कंपोनेंट मैंने इसके बताए थे, तीनों कंपोनेंट के बारे में हमने जाना था, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के टारगेट्स हैं उसके बारे में भी हमने इसमें जान लिया था। फ्लैगशिप स्कीम्स के बारे में हमने, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के बारे में जाना, जिसमें प्रत्येक महीने 1,000 रुपये की सब्सिडी या फाइनेंशियल एड दिया जाता है, और मैक्सिमम 12,000 रुपये प्रति ईयर दिया जाएगा। और इसमें जो जनरल कैटेगरी का मतलब ये है कि मीटर्ड और फेयर ट्रेड जनरल कैटेगरी के जो कंज्यूमर्स हैं, फार्मर्स हैं, उनसे इसको आशय है। रिन्यूएबल एनर्जी में हमने देखा कि RRECL जो है वो स्टेट की नोडल एजेंसी, और MNRE दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है वो इसमें नोडल मिनिस्ट्री की तरह काम कर रही है। 6 से 7 किलोवाट प्रति घंटा प्रति स्क्वायर मीटर हमारे पास एनर्जी अवेलेबिलिटी है सोलर की, और 142 गीगावाट जो है हमारी कैपेसिटी है, पोटेंशियल है। इसके साथ ही लगभग 9,228 मेगावाट जो हमारी इंस्टॉल कैपेसिटी है, ये सब हम देख चुके हैं। इसके बाद हमारे 4 सोलर पावर प्रोजेक्ट, 100 सोलर पावर पार्क्स है, बडला, फलोदी, फतेहपुर और नोक चालू हुई। कैपेसिटी हमें याद रहनी चाहिए 2,200, 750, 1,500, 925, और इनकी कंपनीज भी याद रहे तो दैट इज़ वेल एंड गुड। उसके बाद रूफ टॉप सोलर पावर प्रोजेक्ट के बारे में, स्कीम के बारे में हमने बात की थी। इतनी टैरिफ 25 साल तक कर देता है स्टेट गवर्नमेंट, और 30% सब्सिडी इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। इसके बाद राजस्थान विंड एनर्जी प्रोग्राम के बारे में बात की थी, 2019 में इसकी पॉलिसी आई हुई है, और ये हमारी कैपेसिटी है 1,27,000 के पास, और 4,338 मेगावाट हमारी इंस्टॉल
इंस्टॉल कैपेसिटी है। बायोमास एनर्जी के बारे में दो तीन फैक्ट मैंने आपको बताया कि बायोमास पॉलिसी 2010 में आ चुकी है, 120 मेगावाट के 13 प्रोजेक्ट्स जो है वो काम कर रहे हैं और 6 प्रोजेक्ट 66 मेगावाट के रनिंग है। एनर्जी कंजर्वेशन प्रोग्राम के बारे में बात की थी और एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स में हम फ्रंट रनर में गिने जा रहे हैं और RREC जो है वो इसकी नोडल एजेंसी है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था कि हमें ये याद रखना है कि 2,72,000 हमारी टोटल लेंथ है। इसके बाद हमारा जो ये ऑर्डर है कि सबसे ज़्यादा विलेज रोड है, फिर अदर डिस्ट्रिक्ट रोड है, फिर स्टेट हाईवे, फिर नेशनल हाईवे, सबसे कम मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड हमारे पास है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हमने बात कर ली। दो मेन प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, राजस्थान स्टेट हाईवे इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम जो ADB चला रहा है और राजस्थान स्टेट हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम जो वर्ल्ड बैंक द्वारा चलाया जा रहा है। इसके साथ ही मैंने आपको बताया था कि PPP प्रोजेक्ट में 598 किलोमीटर के 4 नेशनल हाईवेज जो हैं वो प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं और ये जो प्रोग्राम है उसके 2 ट्रेंच में इसको चलाया जा रहा है। उसके बाद रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में RSRTC के बारे में मैंने आपको बताया कि 1964 में 1950 में एक एक्ट के द्वारा इसको बनाया गया था। कितने इसके व्हीकल्स रजिस्टर्ड और कैसे काम करें ये सब हमें नहीं जानना है। रक्षाबंधन और महिला दिवस के दिन महिलाओं को ये फ्री में बस सर्विस प्रोवाइड करती है और कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए स्टूडेंट्स को भी फ्री में सर्विसेज प्रोवाइड करती है। रेलवे के बारे में एक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी कि 8.83 जो लेंथ है रेलवे की वो कंट्रीब्यूट करता है राजस्थान पूरे इंडिया में। उसके बाद पोस्टल वाली मैंने आपको बताया कि ये डेटा इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रिलीफ में मैंने आपको बताया कि 1975 करोड़ हमें मिलने वाले थे, 1580 की एक स्कीम एक इंस्टॉलमेंट हमारे पास आ चुकी है, 75-25 का इसमें रेशियो है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का। अच्छा, ये मैंने आपको कहा था कि ये मैं थोड़ा आपको इसको क्लियर करके बताऊंगा, इसका जो कंपोनेंट ये था कुसुम का, ये 10,000 मेगावाट। अच्छा, तो इसमें एक्चुअली क्या ये कंपोनेंट जो ए है इसमें इसका टारगेट है कि 10,000 मेगावाट जो है, 10,000 मेगावाट ये डिसेंट्रलाइज्ड, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, डिसेंट्रलाइज्ड ग्राउंड माउंटेड ग्रिड कनेक्टेड रिन्यूएबल पावर प्लांट्स लगाने हैं। इतने के ग्राउंड माउंटेड ग्रिड पावर प्लांट जो है वो लगाने हैं जिनकी साइज क्या होगी, 2 मेगावाट तक की होगी और लगभग 10,000 मेगावाट के लगाने हैं। ये क्या है, ये लक्ष्य है। ये लक्ष्य किसका है, कंपोनेंट ए का है, कंपोनेंट ए का ये लक्ष्य है। इसके साथ ये जो कंपोनेंट बी का जो लक्ष्य है, कंपोनेंट बी का लक्ष्य है कि 2 मिलियन स्टैंड अलोन पावर सोलर पावर एग्रीकल्चर पंप्स हमें लगाने हैं। 2 मिलियन स्टैंड अलोन सोलर पावर एग्रीकल्चर पंप्स जो हैं वो इंस्टॉल करने हैं, ये कंपोनेंट बी का ओवरऑल जो है इंडिया का लक्ष्य है। वैसे ही कंपोनेंट सी का जो लक्ष्य है वो पूरे इंडिया का मैं बता रहा हूँ, 1.5 मिलियन ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर एग्रीकल्चर पंप्स लगाए जाने हैं। और ये तीनों कंपोनेंट ए प्लस बी प्लस सी मिला के, तीनों कंपोनेंट मिला के लगभग 30.8 गीगावाट सोलर कैपेसिटी हमें प्रोड्यूस करनी है 2022 तक। ये पीएम कुसुम योजना के तीनों कंपोनेंट का डेटा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कुसुम योजना को भी देख लिया और बाकी सब का भी एक मोटा मोटा डिवीजन हमने कर लिया है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो चैप्टर है वो हमारा कंप्लीट होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के चैप्टर में मेनली एनर्जी के जो हमारे डेटा है वो ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इनकी पॉलिसीज, इनके डेटा आप पिछले साल के पेपर देखोगे तो इनमें एग्जैक्टली कि सोलर पॉलिसीज वाले और इंस्टॉल कैपेसिटी वाले ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। तो जब हम राजस्थान ज्योग्राफी में एनर्जी वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सब उतना ही डेटा हम डिस्कस कर रहे हैं जितना इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया है, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। सो थैंक यू वेरी मच। अगर कोई आपके डाउट है तो आप ज़रूर इसमें कमेंट बॉक्स में डालें, हम आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अगेन थैंक यू वेरी मच।